हेलो फ्रेंड्स, सितंबर 20 GSTR 3B हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी आप सभी जानते हैं। जो हमारी रूल 36 सब रूल 4 की एप्लीकेशन थी फरवरी से लेकर के अगस्त की, वो हमें इसी रिटर्न के अंदर करनी थी। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ITC लेने के लिए भी हमारे पास जो है सितंबर 20 की जो GSTR 3B है उसी का ही ऑप्शन था। तो क्या ये डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, क्या बेसिस किस बेसिस पर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। CNBC का ये ट्वीट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो डिले हुआ है GST एंड ग्लिचेस लीडिंग टू डिलेज इन रिटर्न फाइलिंग। तो GST पोर्टल पर जो एरर आ रही थी, जो ग्लिचेस टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनकी वजह से रिटर्न फाइलिंग के अंदर डिले हुआ है। डिले सीन इन पास्ट वन वीक ड्यू टू GSTN पोर्टल ग्लिचेस, GSTN इन टॉक विद इन्फोसिस टू मेक द पोर्टल ग्लिच फ्री। तो ये माना गया है कि GST पोर्टल पर ही प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, ग्लिचेस थे, और बाद में उन्होंने इन्फोसिस से बात की है जो हमारा पोर्टल मैनेज करता है कि ये जो पोर्टल है इसे ग्लिच फ्री हमें बनाना है, जो कि सारी चीज़ें बाद में सही हो भी गई हैं। GST एंड इन्फोसिस टू वर्क ऑन रिमूविंग ग्लिचेस पोस्ट ऑन गोइंग फाइलिंग पीरियड। GST पोर्टल डाउन फॉर 1 to 2 hours एवरी डे। आप सभी देख ही रहे होंगे कि पोर्टल जो है 1 घंटा या 2 घंटे के लिए वो वर्क नहीं कर रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पोर्टल पर जब आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे वो मैसेज भी आपको दिखाई दे रहा होगा। GSTN says despite glitches GSTN portal recording satisfactory return filing। लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी कहा है कि पोर्टल पर भले ही प्रॉब्लम थी लेकिन रिटर्न फाइलिंग जो है वो सेटिस्फैक्ट्री हुई है, ये इनका कहना है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पोर्टल पर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो ये टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके बावजूद बाद काफ़ी सारे टैक्सपेयर जो है वो रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाए, और कितनी इंपॉर्टेंट थी ये रिटर्न हमारे लिए वो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो ड्यू डेट है ये एक्सटेंड होनी तो बनती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो GSTN की तरफ से ही थी, उन्हीं के पोर्टल के अंदर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्हें एक्सटेंशन हमें देनी चाहिए। बाकी जो हमारी अदर डिमांड्स है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे तो आपके पोर्टल में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी सारी रिटर्न्स जो है वो फाइल टाइमली नहीं हो पाई हैं। इसी न्यूज़ के साथ साथ मैंने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी शेयर की थी कि टैक्स ऑडिट डेट के एक्सटेंड होने की जो है कंसीडरेशन चल रही है, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। आपकी इनकम टैक्स ऑडिट की डेट जो है वो जल्दी ही एक्सटेंड हो सकती है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर हो सकती है। कितना एक्सटेंशन मिलेगा अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो डेट आपकी एक्सटेंड होने के 100% चांसेस है, जल्दी ही वो नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।